तथ्यों को समझें, दृश्यों में न उलझें। भगवान ने अपने बाद चेतना का दूसरा स्तर मनुष्य का ही बनाया है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इतनी समर्थ हैं कि उसे सृष्टि का सर्वसमर्थ प्राणी कहा जाना उचित ही है। यह उसके काय कलेवर की विशेषता है। सचेतन अदृश्य सत्ता का यदि लेखा जोखा लिया जाए तो प्रतीत होगा कि न केवल भौतिक जगत पर वरन अदृश्य क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले सूक्ष्म जगत पर भी उसका असाधारण अधिकार है। दृश्य और अदृश्य दोनों ही लोकों पर उसका अधिकार होने से मानवीय सत्ता को सुर दुर्लभ भी कहा जाता है। किसी ने सच कहा है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, उसके अंतराल में दैवी शक्तियों का तत्वतः समग्र निवास है, पर दृश्य जगत के जाल जंजाल में स्वयं को भूल जाने के कारण ठोकरे खाता और जहां तहां भटकता है। गड़बड़ी वहां से प्रारंभ होती है जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अपने को कलेवर मात्र समझता है, वाहन को अधिपति मान बैठता है और गोबर भरी मशक में अपने को समाया भर मानता है। दर्पण में अपनी छवि तो होती है, व्यक्तित्व नहीं। शरीर कुछ तो है पर सब कुछ नहीं। उसकी इच्छा आवश्यकता को भी पूरा किया जाना चाहिए, पर मात्र उसी के लिए सब कुछ निछावर कर देना भूल है। अच्छा होता सवार और घोड़े का संबंध भी समझ लिया होता। भेड़ों के झुंड में पले सिंह ने अपने को भेड़ मान लिया था। यह कथा सुनी तो बहुतों ने है, पर यह अनुभव कोई बिरले ही करते हैं कि उपहासास्पद कथा उक्ति सीधी अपने ही ऊपर लागू होती है। परमाणु मोटी दृष्टि से एक अत्यंत ही छोटा अदृश्य स्तर का प्रकृति का अत्यंत कनिष्ठ घटक मात्र मालूम पड़ता है। इतने पर भी वस्तु स्थिति यह है कि उसमें एक समूचे ग्रह पिंड जितनी शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य असंख्य परमाणुओं, जीवाणुओं, रसायनों, विद्युत आवेशों का भंडार है। प्रायः 5.5 फुट ऊंचे 60 किलोग्राम औसत भार के इस काय कलेवर में संभवतः उतने ही गोलक हो सकते हैं जितने कि इस समूचे ब्रह्मांड के तारे, ग्रह, उपग्रह आदि हैं। इस समूची शक्ति का अनुमान लगाया और आकलन किया जाए तो उसे अकल्पनीय ही कहना होगा। एक औसत मनुष्य प्रायः उतना ही हो सकता है जितना कि यह समूचा ब्रह्मांड प्रकृति संपदा से भरा पड़ा है। ब्रह्मांड को महतो महियान कहा गया है, पर पिंड को अणो रणियान। यदि आकार की न्यूनाधिकता पर ध्यान न दिया जाए तो मानवीय सत्ता भी परमात्म सत्ता के समतुल्य जा पहुंचती है। भगवान को जितने भी प्रमुख अवतार लेने पड़े हैं वे सभी मनुष्य आकृति में ही हुए हैं। स्वर्गीय देवता अपनी जगह विराजमान हो सकते हैं, पर धरती पर देवताओं की भी कभी कमी नहीं रही। महामानवों के रूप में उनके अस्तित्व का परिचय समय समय पर मिलता रहा। मनुष्य ही देव के स्वरूप में सृजन और दैत्य के रूप में ध्वंस के ऐसे कृत्य दिखाते रहे जिसकी विशालता और विभीषिका पर ध्यान देते ही दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। क्षुद्रता का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें इसी कारण देखा जाता है कि वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। यदि मनुष्य आत्मबोध प्राप्त कर ले और समझ ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्या कर सकता हूं, तो समझना चाहिए कि उसे शूद्र से महान, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आंखों पर जिस रंग का चश्मा लगा लिया जाए समस्त संसार उसी रंग का दिख पड़ता है। संसार के दृश्य कैसे ही क्यों ना हो, पर यदि अपनी आंख की पुतली काम करना बंद कर दे तो फिर सर्वत्र अंधकार ही दिख पड़ेगा। कान बहरे हो जाएं तो कहीं किसी शब्द का अस्तित्व न रहेगा। अपने दृष्टिकोण के अनुरूप सारा वातावरण दिख पड़ता है। हर व्यक्ति का अपना संसार अलग से रचा हुआ है और वह उसी में विचरण करता है। स्वर्ग और नरक दोनों ही मात्र अनुभूतियां हैं जिनको हर व्यक्ति इच्छानुसार अपने लिए विनिर्मित करता एवं बदलता रहता है। यह संसार जड़ पदार्थों का बना है, उसमें भले बुरे जैसा कहीं कुछ नहीं है। जड़ पदार्थों का अपना स्वरूप भर है, उनके सुख और दुख की अनुभूति तो मनुष्य की खुद की गढ़ी हुई है। पाप पुण्य पदार्थ तो कैसे करेंगे, उनका सदुपयोग दुरुपयोग ही पाप पुण्य की अनुभूति गढ़ते हैं। इंजन कितना ही समर्थ या कीमती क्यों ना हो, उसे चलाने की क्षमता तो सजीव मनुष्य में ही होती है।
रेलगाड़ी अपने बलबूते किसी निर्दिष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती, अधिक से अधिक कोई दुर्घटना करने की निमित्त भर बन सकती है। संसार भर का वातावरण जड़ पदार्थों से विनिर्मित होने के कारण अपने बलबूते कुछ भरा बुला नहीं कर सकता। सचेतन सत्ता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य ही हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। तथ्यों को समझते हुए हमें जैसा भी कुछ भला बुरा भविष्य विनिर्मित करना हो, उसी के अनुरूप जनमानस विनिर्मित करना चाहिए। सतयुग और कलयुग में लोगों के शरीर निर्वाह क्रम में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, फिर भी जो जमीन आसमान जैसा अंतर दिख पड़ता है, उसका सृजनकर्ता वस्तुतः मनुष्य ही है। वह न केवल अपने भाग्य का निर्माता आप है, वरन उसी का सामूहिक चिंतन क्रियाकलाप प्रवाह वैसा ही कुछ बनाकर खड़ा कर देता है जैसा कि सोचा या चाहा गया था। हमें मुरझाए पत्ते सींचने की योजना नहीं बनानी चाहिए, वरन जड़ तक खाद पानी पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। पूछा जाता है कि उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए क्या करना होगा। यदि प्रश्न का सही उत्तर अपेक्षित हो तो वह एक ही हो सकता है, दृष्टिकोण का परिवर्तन। यों मन समझाने के लिए ऐसा भी कुछ सोचा जा सकता है कि प्रयत्न क्या करने होंगे, पदार्थों के सरंजाम जुटाने में किस प्रकार के प्रयास परिवर्तन करने होंगे। उत्तर उन प्रश्नों के भी हो सकते हैं और कार्यक्रम तदनुरूप भी बन सकता है। योजनाएं बनाने वाले इन्हीं गोरख धंधों को उलझाने सुलझाने में लगे भी रहते हैं, किंतु यह शतरंज की गोटियों को इधर उधर हटाते उठाते रहने का मनोरंजन भर है। वस्तुतः उस सारे खेल में बाजी हारना जीतना खिलाड़ियों की मानसिकता पर निर्भर करता है। गोटियां व्यर्थ ही बदनाम होती या सम्मान पाती रहती हैं। मोटी बुद्धि दृश्यों पदार्थों घटनाओं को ही सब कुछ मानती हैं। चिंतन दृष्टिकोण उत्साह साहस जैसी अदृश्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में हर किसी के लिए यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि पर्दे के पीछे काम करने वाले मदारी की उंगलियां ही समूचे प्रहसन के निमित्त हैं। तमाशों का सूत्रधार तो मानसिकता का बाजार ही होता है, समस्याओं का वास्तविक हल उसी के हाथ है। बंदी कठपुतलियों के साथ माथा पच्ची करना कुछ अर्थ ही नहीं रखता, फिर भी बच्चों को चाबी के खिलौनों की हलचलें ही प्रभावित करती हैं। उन्हें यह कहां पता होता है कि उसके भीतर जमे हुए पुर्जे ही यह चित्र विचित्र हलचल करते हैं। इन विभीषिकाओं से कौन जूझेगा, कैसे जूझेगा। प्रत्यक्ष समस्याओं में अनेक ऐसी हैं जो देखने में अत्यंत भयावह मालूम पड़ती हैं और जिसका समाधान भी सरल नहीं दिख पड़ता। सारी दुनिया उनके कारण चिंतित है। मूर्धन्य जनों को बहुत माथा पच्ची करने के उपरांत भी कोई हल नहीं सूझ पड़ता। इन समस्याओं में सर्वप्रथम है वातावरण में सतत घुल रहा जहर। औद्योगिक कारखाने वायु को विषमय बना रहे हैं। लगता है कि कहीं शुद्ध वायु के अभाव में घुटन से ही जीवों को दम न तोड़ना पड़े। औद्योगिक उत्पादनों के विषैले रसायन जलाशयों में बहाए जाते हैं, वही पानी घूम फिर कर पीने के काम आता है। मंद विष पीते रहने पर देर सवेर उनका प्रतिफल मरण ही हो सकता है। रासायनिक खादें और कीटनाशक विष आहार में सम्मिलित होकर स्वास्थ्य को चौपट करते रहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण वातावरण का तापमान दिन दिन बढ़ता जाता है। विश्व का हिम भंडार पिघलाने और समुद्रों में बाढ़ आने की चुनौती देता है। पृथ्वी के ऊपर का सुरक्षा कवच भी फटता जा रहा है और खतरा बढ़ रहा है कि अंतरिक्षीय मारक किरणें कहीं धरातल को भून कर न रख दें। प्रदूषण का शोषण वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से होता है, उन्हें बेतरह काटा जा रहा है। इससे धरती के रेगिस्तान बन जाने, भूमि की उर्वरता समुद्र में बहकर पहुंच जाने, भयंकर बाढ़ आने, वर्षा का अनुपात घट जाने जैसी कितनी ही प्रकृति के कोप से उत्पन्न होने वाली विभीषिकाएं क्रमशः निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उद्योगों में कोयला खनिज तेल आदि का इतना अधिक दोहन हो रहा है कि उस चिर संचित भूगर्भ वैभव का अंत निकट आता जा रहा है। ईंधन के अभाव में कारखाने एवं द्रुतगामी वाहन भविष्य में कैसे चलते रहेंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। फिर इसी प्रयोजन के लिए धातुएं भी तो असाधारण मात्रा में प्रयुक्त होती हैं, उनकी खदानें भी तो सीमित हैं।
जिस तेजी से उसका दोहन हो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि निकट भविष्य में धातुओं की उपलब्धि भी दुर्लभ हो जाएगी। धरती को तेजी से वनस्पति उत्पादन से छीनकर आवासीय प्रयोजन के लिए, कारखाने, दफ्तरों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। उपजाऊ भूमि की कमी पड़ती जाने पर पशु पक्षियों तथा अन्य जीव जंतुओं का निर्वाह कठिन हो जाएगा और धरती का संतुलन भी गड़बड़ा जाएगा। पशुओं, वृक्षों और मनुष्यों के निर्वाह का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। इन तीनों में से एक घटेगा मिटेगा तो शेष दो का भी सफाया हो जाएगा। वृक्षों की पत्तियों से, पशुओं के, मनुष्यों के मल मूत्र से धरती की उर्वरता कायम रहती है और उसी के आधार पर जीवधारियों को आहार उपलब्ध होता है। बादल अपने आप बरसने का जितना उपक्रम अपनाते हैं उससे कहीं अधिक पृथ्वी की परिस्थितियां उन पर बरसने का दबाव डालती हैं। यदि यह दबाव बना रहे तो जिस प्रकार रेगिस्तानों में वर्षा नहीं होती उसी प्रकार अन्यत्र भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। पानी और हवा के बिना तो जीवन थोड़े समय भी स्थिर नहीं रह सकता। फिर आहार की उपज भी नहीं हो सकती और निर्वाह साधनों के अभाव में न मनुष्य जी सकता है और न प्राणियों, वनस्पतियों में से ही किसी का जीवन स्थिर रह सकता है। वर्तमान प्रवाह प्रचलन पूरे जोर से ऐसी ही दिशाधारा अपना रहा है जिसके कारण भविष्य हर प्रकार अंधकारमय ही दिख पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, इसके संबंध में एक बात बहुत जोर देकर कही जाती है कि मनुष्यों की जनसंख्या बेहिसाब बढ़ रही है, उनके लिए तदनुरूप ही बढ़े चढ़े साधन चाहिए। आहार, जल, मकान, कारखाने, व्यवसाय, विद्यालय, चिकित्सालय आदि अनेकों साधन चाहिए। उस संदर्भ में हाथ से कोड़ा जाए तो उत्पन्न होते जाने वाले मनुष्य समुदाय की व्यवस्थाएं कैसे बने, मनुष्यों की अभिवृद्धि अनायास ही रुकती भी तो नहीं। इन दिनों एक नया व्यवसाय और जन्मा है, युद्ध। 20वीं सदी में तो दो विश्व युद्ध एवं प्रायः 200 क्षेत्र युद्ध हो चुके हैं। इनमें कितनी युवा शक्ति मरी, कितने परिवार अनाथ हुए, इसकी बात तो अलग। युद्ध सामग्री बनने में जो जन शक्ति, धन शक्ति, बुद्धि शक्ति लगी, उतने साधनों से इसी धरती को न जाने कितना समुन्नत बनाया जा सकता था। अभी भी जो तैयारियां चल रही हैं उससे प्रतीत होता है कि सृजन प्रयत्नों की तुलना में ध्वंस की तैयारियां कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर रहे हैं। अर्थ संतुलन ऐसा गड़बड़ाया है कि गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर बनते जा रहे हैं। अर्थलिप्सा में मंडियां हथियाने के लिए धनाध्यक्षों की हविश, अनेक प्रकार के उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद रचते हैं और उनके परिणाम स्वरूप दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सब का परिणाम यह हुआ कि जन साधारण का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेतरह गड़बड़ाने लगा है। दोनों ही क्षेत्रों में इतने अधिक रोग बढ़ रहे हैं कि उनके निवारण के लिए बनने वाले चिकित्सक, आविष्कार, अस्पताल सभी बौने पड़ते जा रहे हैं। लगता है अगले दिनों पूर्ण स्वस्थ रह सकना अत्यंत कठिन हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी भर रह जाने से बेकारी, बेरोजगारी की बाढ़ रोक सकना कठिन हो जाएगा। महंगी ठाट बाट के लिए व्याकुल बनाने वाली पढ़ाई अपना संतुलन बिठाने के लिए वेतन की तरह रिश्वत को भी समानांतर साधन बना रही है। बताया जाता है कि जनता की भलाई के नाम पर सरकार जो कुछ करती है उसका 85% नौकरशाही तंत्र पर खर्च हो जाता है। शेष 15% भी उपयुक्त व्यक्तियों तक पहुंचता होगा कि नहीं, इसमें संदेह है। बिचौलिए उसमें से भी बड़ा अंश हड़प जाते हों तो कोई आश्चर्य नहीं। कहने को प्रजातंत्र का प्रचलन है और सत्ता का सूत्र संचालक मतदाता माना जाता है, पर यह कोई रहस्य नहीं रहा कि मतदाता जिन विभ्रमों और दबावों के बीच रह रहा है उसे देखते हुए उसके लिए विवेकपूर्ण निर्णय कर सकने का धरातल भी तो नहीं रह गया है। शासन संचालन को देखते हुए नए सिरे से सोचना पड़ता है कि राजतंत्र, अधिनायकवाद आदि की तुलना प्रजातंत्र को मिल भी सकती है या नहीं। प्रत्यक्षवाद ने आदर्शों पर से आस्थाएं बुरी तरह डगमगा दी हैं। जैसे भी बने स्वार्थ साधन ही प्रमुख दृष्टिकोण रह गया है। मानवीय गरिमा के साथ जुड़ी हुई उत्कृष्टता की चर्चा तो कहने सुनने को मिल जाती है, पर उसका व्यावहारिक प्रचलन मुश्किल से ही कहीं देखने को मिलता है।
छद्म, पाखंड, प्रपंच ही भक्त और भगवान का, क्रियाकृतियों और धर्म कलेवरों का रूप धारण करता जा रहा है। इन परिस्थितियों में हर सोचने वाले का मन टूटता और संदेह होता है कि उज्ज्वल भविष्य की संरचना का उद्देश्य किस प्रकार, किस आधार पर पूरा हो सकेगा।